अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। टाइम यानी वक्त एक ऐसी घड़ी का नाम है जो कुछ लोगों के लिए तो बहुत स्लो चलती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज होती है। इसी तरह जिंदगी का पहिया कुछ लोगों के लिए स्लो स्पीड में चल रहा होता है, लेकिन यही जिंदगी कुछ लोगों के लिए फास्ट ट्रैक पर भाग रही होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारी जानवरों के लाइफ साइकिल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, जहाँ आप ये जान पाएंगे कि इस दुनिया में रहने वाले कौन कौन से जानवर कितने कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मालूमात में जरा सा भी इजाफा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स गेट इट ऑन। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेफ्लाई के बारे में। दोस्तों, ये मक्खी दुनिया में सबसे कम जिंदगी गुजारती है। आमतौर पर ये 24 घंटे से भी कम मुद्दत में मर जाती है। ड्रोन एंट, इसकी एवरेज लाइफ 3 दिन रिकॉर्ड की गई है। ये कीड़े मकोड़ों में सबसे कम जिंदगी गुजारने वाला कीड़ा होता है। मेल मॉस्किटो यानी मच्छर 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि मेल मॉस्किटोज खून नहीं पीते हैं। हाउस फ्लाई यानी मक्खियाँ, इनकी टोटल जिंदगी तकरीबन 15 से 25 दिन की होती है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में भी एक मक्खी 800 से 1000 अंडे देने की सलाहियत रखती है। फीमेल मॉस्किटोज 1 महीने तक जिंदा रहती है। ये जिंदा रहने के लिए इंसानों और जानवरों का खून पीती हैं। ड्रैगन फ्लाई हू, दोस्तों ड्रैगन फ्लाई 4 महीने तक जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। बैड बग यानी खटमल 6 महीने अपनी जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, ये है इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जेलीफिश। इसका नाम है मून जेलीफिश, जो कि समुन्द्र में 18 महीने तक जिंदा रहती है। हाउस माउस यानी हमारे गली मोहल्लों के लोकल चूहे 1 साल तक जिंदा रहते हैं। पैंथर कमेलियन की उम्र ऑलमोस्ट 1 साल होती है। दोस्तों, पैंथर के नाम से मशहूर ये गिरगिट रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवरों में सबसे कम जिंदा रहता है। मोल यानी छछुंदर, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जानवर अपने ठिकानों में जहाँ भी रहते हैं वहाँ ये बाकायदा एक किचन बनाकर रखते हैं, जहाँ काफी ज्यादा मिकदार में हासिल किया हुआ खाना स्टोर किया जाता है। यही वजह है कि छछुंदर 3 साल तक अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। पिजन यानी कबूतर 4 साल तक जिंदा रहते हैं। शहद की मक्खी की जिंदगी का दौरानिया तकरीबन 5 साल होता है। रेड पांडा 7 साल जिंदगी गुजारते हैं। अब बात करते हैं चिकन यानी मुर्गियों के बारे में। दोस्तों, अगर मुर्गी अपनी पूरी जिंदगी किसी भी इंसान का लंच या डिनर बनने से बच जाए तो ये 9 साल तक जिंदा रह सकती हैं। कैंगरूज की एवरेज लाइफ 10 साल की होती है। दोस्तों, ये खूबसूरत परिंदा जिसे हम हैमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं, इस दुनिया में ऑलमोस्ट 12 साल तक जिंदगी गुजारता है। अब बात करते हैं दी फास्टेस्ट लैंड एनिमल यानी चीते की। दोस्तों, ये भी हैमिंग बर्ड की तरह ऑलमोस्ट 12 साल ही जिंदा रहता है। डॉग्स यानी कुत्ते 13 साल अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। एक टाइगर 15 साल तक जिंदा रहने की सलाहियत रखता है, जबकि बिल्लियां 16 साल तक जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, काओ यानी गायें 20 साल तक की उम्र गुजारती हैं। जंगल का बादशाह लायन भी 20 साल तक ही जिंदा रह पाता है। पोलर बेयर्स 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हजारों चींटियों की माँ क्वीन एंट की एवरेज लाइफ 25 से 30 साल तक की होती है। दुनिया के सबसे लंबे जानवर जिराफ 25 साल की जिंदगी गुजारते हैं। ग्रिजली बेयर्स यानी भूरे रंग के भालू 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। बार्ड ईगल्स यानी गंजे उकाब 32 साल अपनी जिंदगी को जीते हैं। जाइंट पांडास 35 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। हॉर्स यानी घोड़ों की औसत उम्र 40 साल होती है। दोस्तों, ऊंट भी ऑलमोस्ट 35 से 40 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। गोल्डफिश 40 साल की जिंदगी गुजारती है। व्हाइट राइनोसेरस यानी सफेद गेंडे 45 से 50 साल की उम्र तक जीते हैं।
दोस्तों मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि इन व्हाइट गेंडों का सिर्फ नाम ही व्हाइट है, जबकि एक्चुअली इनका कलर व्हाइट नहीं बल्कि डार्क ग्रे होता है। इंडियन कॉन्डोर, ये चील नुमा गिद्ध हमारी दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले जानवर हैं और ये 50 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेसन एल्बेट्रॉस नामी ये परिंदा, जिसे उर्दू में कादूस के नाम से भी जाना जाता है, 55 साल जिंदगी बसर करता है। लॉन्ग फिन ईल यानी बाम मछली की उम्र 60 साल यानी 60 ईयर्स तक हो सकती है। मकाओ नामी अमेरिकन तोता आमतौर पर 65 ईयर्स तक जिंदा रहता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ मकाओज 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। दैट्स अमेजिंग। दोस्तों लेटेस्ट रिसर्च एंड सर्वे रिजल्ट्स के मुताबिक इंसान की औसत उम्र 68 ईयर्स टू 73 ईयर्स रिकॉर्ड की गई है। ओम यानी माही दम मछली, जिसे ह्यूमन फिश के नाम से भी जाना जाता है, 69 ईयर्स की लाइफ स्पेंड करती है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स 70 साल जिंदगी गुजारा करते हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क समुन्द्र में 70 साल तक जिंदा रह सकती है। जापानीज कोई फिश 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहने की सलाहियत रखती है, लेकिन आमतौर पर इनकी एवरेज लाइफ 70 साल की होती है। शार्क का शिकार करने वाली ऑर्का समुंदर में 75 ईयर्स जिंदा रहती है। ग्रे वेल की औसत उम्र 77 ईयर्स रिकॉर्ड की गई है। ककापो नामी इस तोते की एवरेज लाइफ 80 ईयर्स होती है। इनके बारे में एक बात जानकर आपको हैरत होगी कि दुनिया भर के तोतों की नस्लों में ये वाहिद नस्ल ऐसी है जो उड़ नहीं सकती। आइए अब बात करते हैं हमारी दुनिया के सबसे बड़े जानवर की। यस, इट्स ब्लू व्हेल, जो कि 90 ईयर्स तक समुन्द्र में जिंदा रहने की सलाहियत रखती है। नाइल क्रोकोडाइल्स 95 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि मगरमच्छों की ये नस्ल डायनासोर के जमाने में भी मौजूद थी। पैसिफिक ओशन पर्च 98 ईयर्स तक जिंदा रहती है। अमेरिकन लॉबस्टर्स की औसत उम्र 100 ईयर्स हुआ करती है। व्हाइट स्टर्जन फिश 104 साल जिंदगी गुजारती है। फ्रेश वाटर पर्ल मसल 110 साल तक समंदर की तह में जिंदा रहते हैं। इस प्लेनेट के सबसे बड़े कछुए अल्डेब्रा जाइंट टर्टोइज 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। रफ आई रॉक फिश, इनकी एवरेज लाइफ 140 साल रिकॉर्ड की गई है, जबकि इनमें से कुछ 200 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकती हैं। लेक स्टर्जन फिश 152 ईयर्स तक जिंदगी गुजारती हैं। गैलापागोस टर्टल्स, जो कि हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले कछुए हैं, ये 170 साल तक जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। ऑरेंज रफी फिश 175 ईयर्स अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं। बोहेड व्हेल, इनकी औसत उम्र 200 साल हुआ करती है। रेड सी अर्चिन्स, इनकी एवरेज लाइफ 210 साल है। जाइंट ट्यूब वॉर्म, समुद्र में रहने वाले ये कीड़े 250 साल तक जिंदा रहते हैं। ग्रीनलैंड शार्क अपनी जिंदगी को 270 साल तक जीती है। जाइंट ट्यूब स्पंज, ये जानदार समुद्र में 2000 साल तक जिंदा रहते हैं। अल्लाह की कुदरत देखिए दोस्तों कि इसके जिस्म में कोई ऑर्गन ना होने के बावजूद ये खाना भी खाते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। आखिर में बात करते हैं एक ऐसे अनोखे और अजीबोगरीब जानवर के बारे में, कुछ ऐसे पुरस्कार तरीके से जीता है कि कभी भी कोई साइंटिस्ट उसकी एवरेज लाइफ को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। चोरिटोप्सिस जोनी, जिसे साइंसी दुनिया इमोर्टल जेलीफिश के नाम से भी जानती है। दोस्तों इमोर्टल का मतलब होता है कभी ना मरने वाला। इस जेलीफिश की खास बात यह है कि ये अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुद अपने आप को एक पॉलिप यानी छोटे से टिश्यू नुमा जर्रे में तब्दील कर लेती है, और फिर कई साल उस शक्ल में रहने के बाद दोबारा से अपनी असल हालत में आने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि इस बात का कभी पता ही नहीं चल पाया कि इनकी मौत होती भी है या नहीं, और अगर होती है तो कब होती है।
आखिर में आपका भाई आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, खुदा हाफिज़।